सपा सांसद का बयान। प्रदेश सरकार ने बदलवाई दलित बच्चे की रिपोर्ट। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने हाथरस की दलित बेटी प्रकरण पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि पीड़ित बच्चे की सारी रिपोर्ट्स बदलवा दी गई हैं। आज देश और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो संवेदनहीन हो गई हैं, वो सरकारें दलित विरोधी हैं। आरोपियों ने दलित बच्चे के साथ गैंगरेप किया, उसके गले की हड्डी तक तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसका इलाज AMS या विदेश में होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार की लापरवाही से बच्ची ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत के बाद प्रशासन ने आधी रात में उसका शव भी जबरदस्ती जला दिया। सब लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाकर सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। दरअसल सपा सांसद हाथरस की दलित बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च में शामिल हुए थे। देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान गम गुस्से के अंदर डूबा हुआ है। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि फॉरेन मीडिया भी इस बात को हमारी क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक गरीब दलित बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ और जो नाइंसाफ़ी हुई, जिसके साथ रेप हुआ, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जिसकी जबान काट दी गई, उस बच्ची को हम इंसाफ नहीं दिला पाए, हम ठीक से इलाज नहीं करा पाए। उसका जहां इलाज होना चाहिए था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वहां हम नहीं भेज पाए। और हमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि प्रशासन इस केस को दबाने की कोशिश करता रहा। वहाँ के प्रशासन ने रिपोर्ट अब ये दे रहे हैं कि उसकी ना तो जबान कटी और ना उसकी हड्डी टूटी, ना ही उसके साथ बलात्कार हुआ। तो फिर वो कैसे मारी गई, क्यों मारी गई, ये सोचने का मुकाम है। कम से कम ऐसी बातें हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को शोभा नहीं देती, जो लॉजिक से बहुत दूर हो, कोसों दूर हो। इस वक्त देश के अंदर प्रजातंत्र तो बहुत दूर होते चला जा रहा है हम लोगों से। हम अपनी बात नहीं कह सकते। अगर कोई अपनी सच्चाई या बात कहना चाहेगा तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। और ख़ास तौर से दलितों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, हम उनके लिए कंधे से कंधा लगाकर पूरी समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। डॉक्टर, आज भी चार जगह इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही? महिलाओं की सुरक्षा खास, आज भी दो तीन जगह का मालूम हुआ है कि रेप हुआ और उनको कत्ल कर दिया गया। देखिए, जब कानून का खौफ ख़त्म हो जाता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिस प्रदेश के अंदर बड़े उच्च अधिकारी अगर हफ्ता वसूल करने लगे, तो कानून व्यवस्था के बारे में आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि किस जगह पर खड़े। आपका ये मानना है कि सरकारें इस तरह के केसों में रिपोर्टें बदलवा देती हैं? क्या पहले घटना हुई इस तरह की, क्या सरकारें बदलवा दी रिपोर्ट, बदलवा सकती सरकार रिपोर्ट? यकीनी तौर के ऊपर उस बच्ची का रेप हुआ, उसकी हड्डी तोड़ी गई, जबान कटी हुई निकली उसकी, अब क्यों ऐसा बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या वो ऐसी एक्सीडेंट में मरी थी, गन्ने के खेत में कोई ट्रक से टकरा गई थी? दाह संस्कार को लेकर भी सवाल उठा है। दाह संस्कार किस तरह से किया गया? हर आदमी अपने रीति रिवाज से अपने घर वालों को आखिरी विदाई देते हैं, और उस गरीब की बच्ची को, उसकी माँ को हमने देखा है बिलखते हुए और रोते हुए आप लोगों के चैनलों के ऊपर, जो ये कह रही है कि मैं अपनी बच्ची को हमेशा के लिए विदा करना चाहती थी उसकी सूरत देखकर, उसको हल्दी लगाकर, लेकिन उसका ये अधिकार भी उससे छीन लिया गया, उनके घरों में उन सब लोगों को कैद कर दिया गया। कहाँ का इंसाफ है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? 21वीं सदी के हिंदुस्तान में हमें कहते हुए अब शर्म आ रही है कि हमारे लोग जो हमारे हुकूमतें कर रहे हैं वो संवेदनहीन हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं परिवार के लिए? हमारी मांग यही है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस केस को छुपाने की और दबाने की कोशिश करी, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों न हो, ताकि आइंदा फिर ऐसी कोई घटना करते वक्त लोगों के दिल दहल जाए।